आप बुक लेकर बैठ जाइए। चार नंबर सवाल, 8.4 का चार नंबर सवाल का पहला सवाल दोस्तों क्या है आपका, है 9 sec² माइनस ए है यहाँ पर और 9 tan² ए पूछ रहा है इसका बराबर किसके बराबर होगा। देखिए इसमें भी नो है, इसमें भी नो है, सिंपल सवाल है दोस्तों, इसको नो कॉमन ले लो। जब दोनों कॉमन उभयनिष्ठ गुणनखंड सेम रहे तो हम कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी नो है, इसमें भी नो है, तो नो कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से नो आ जाएगा तो क्या sec² ए बचेगा, तो sec² ए। अब फिर इसमें से नो आ जाएगा तो क्या बचेगा, tan² ए बचेगा, tan² है। अब देखिए अब 9 × अब sec² ए माइनस tan² ए का फॉर्मूला आता है ए, तो 9 × 1 = 9। अब दोस्तों आपके किताब के अनुसार ये 9 ऑप्शन ऑप्शन बी में है, तो आपका बी दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप बुक में देख लीजिए या इसको उतार लीजिए, अच्छा रहेगा। चलिए हम चलते हैं चार का दूसरा नंबर सवाल, चार का दूसरा नंबर सवाल देखते हैं। अब देखिए चार का दूसरा नंबर सवाल दोस्तों ऑब्जेक्टिव है, ये देखते हैं आप, इसको नोट कर लिए, चार का दूसरा नंबर सवाल, ठीक है। चार का दूसरा सवाल है, ये थोड़ा लंबा होगा दोस्तों, घबराने की जरूरत नहीं है, मैं अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। तो मैं डायरेक्ट हिसाब लिख देता हूँ, पहले हिसाब आपका 1 + tan θ प्लस sec θ ब्रैकेट 1 + cot θ माइनस cosec θ, ठीक है, यही सवाल है आपका। दोस्तों हम इसको देखते हैं, सबसे पहले लिखेंगे दोस्तों सूत्र कौन सा, 1 है तो 1 देंगे प्लस, अब देखिए tan θ का सूत्र होता है sin θ / cos θ, ये सब सूत्र आपको याद करना पड़ेगा, इसमें कोई नकलबाजी आपको नहीं करनी है। अब sec θ का फॉर्मूला आता है 1 / cos θ, ठीक है। अब इसका काम हो गया, इस भाग का काम हो गया, अब इसको फिर ब्रैकेट कर दो। अब देखो फिर इस भाग का देखो 1 है, फिर अब cot θ का सूत्र होता है दोस्तों cos θ / sin θ, ये सब सूत्र कह रहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। ये सब क्या होता है, सूत्र, ये क्या है सूत्र, 1 cos θ / sin θ, ठीक है। अब माइनस अब cosec θ का सूत्र क्या होता है, 1 sin θ, अब इसको भी ब्रैकेट कर दो। अब क्या करेंगे, ब्रैकेट तो कर दिए, अब देखिए नहीं है तो कुछ यहाँ एक है, यहाँ भी कुछ एक है, अब देखिए क्या करेंगे, दोनों का LCM ले लीजिए, इसका भी LCM ले लीजिए, इसका भी LCM ले लीजिए। चलिए इसका LCM लीजिए आप, cos θ का LCM cos θ आएगा, ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, cos θ। अब देखो 1 को cos θ से भाग देंगे, इस 1 को अगर cos θ से भाग देंगे तो cos θ होगा, और cos θ को ना 1 करेंगे तो कितना होगा, cos θ ही होगा, ठीक है। अब फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, ठीक है। अब फिर cos θ को cos θ से भाग देंगे एक बार में, तो 1 × sin θ sin θ हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस दे दो, फिर cos θ को cos θ से भाग देंगे एक बार में खाएगा, और ऊपर एक है तो 1 × 1 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब फिर इस वाले भाग का काम हो गया, अब इसमें देखते हैं, इसमें दोस्तों sin θ और sin θ का LCM क्या, वही आएगा sin θ आएगा, ठीक है। फिर हम 1 को अगर sin θ से भाग देते हैं तो एक बार में sin θ का खाएगा, sin θ बार में चला जाएगा, sin θ × 1 तो कितना होगा, sin θ हो जाएगा। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस देंगे, फिर sin θ को sin θ से भाग देंगे 1, और 1 × ऊपर क्या है cos θ, तो 1 × cos θ cos θ आपका हो जाएगा। फिर यहाँ माइनस है तो माइनस देंगे, फिर sin θ को sin θ से भाग देंगे एक बार में, और 1 × 1, ठीक है। चलिए तो ये आपका इतना प्रोसेस हो चुका है। अब देखिए इसमें एक सूत्र लगता है, शायद वो सूत्र आपको पता होगा, सूत्र होता है आपका a² - b² = सूत्र होता है आपका a + b × a - b, यही सूत्र होता है। तो यही सूत्र दोस्तों आप यहाँ लगने वाला, इस सूत्र को लिख लीजिए, ये सूत्र बहुत बार काम आता है सभी चीज़ में, ठीक है। ठीक है, चलिए यही सूत्र अब हम लगाने वाला, देखिए अब देखिए यहाँ cos θ + sin θ है ना, इसको आप a मान लीजिए, ठीक है, इसको a मान लीजिए, और एक जो है इसको b मान लीजिए, और cos θ इसको a मान लीजिए, ठीक है। दोस्तों आप इसको उतारते जाइए, ठीक है, क्योंकि इसमें ज़्यादा हम समझा रहे हैं तो इसलिए आपको साफ सुथरा नहीं दिखता होगा। आप जैसे मैं लिख रहा हूँ वैसे आप पहले उसको उतार लीजिए, फिर समझिए, ठीक है। तो इसको हम a मान लिए और इसको b मान लिए, ठीक है। फिर उसी तरह देखिए यहाँ भी क्या है, sin θ और cos θ, इसको ये तो a हो ही जाएगा, और -1 वाला जो इसको आप b मान लीजिए, ठीक है। तो क्या हो गया फॉर्मूला, अब a + b × a - b हो गया ना, तो वही सूत्र अभी जस्ट मैंने लिखा, a + b × a - b बराबर सूत्र क्या होता है, a² - b², तो a² के बदले में ये है, तो a² के बदले में इसको दे सकते हैं हम cos θ + sin θ² ये हो गया हमारा a²
अब माइनस बी स्क्वायर, बी के बदले में क्या एक है, तो एक का स्क्वायर दे दो, एक का स्क्वायर दे दो। अब बटे में क्या आएगा, बटे में ये कॉस थीटा और साइन थीटा ये आ जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा क्या हो, सीधा इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, ठीक है। चलिए इसका आगे प्रोसेस देखते हैं, इसका आगे प्रोसेस देखिए आप कहाँ तक गए थे हम। अब देखिए कॉस स्क्वायर थीटा था ना, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब हम इसको क्या करेंगे, सूत्र लिखेंगे, एक बार से और लिख देता हूँ मैं यहाँ, तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये कैसे हो गया अभी मैं बताता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब माइनस माइनस क्या हो जाएगा, वन हो जाएगा, ठीक है। अब बटे नीचे क्या है, नीचे क्या है आपका, नीचे वही है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब ये कैसे होगा मैं बताता हूँ, अभी आपका यहाँ पर क्या मैंने लिखा था कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का स्क्वायर, ये पहले जब मैं पीछे उस पर बता रहा था तो यही था ना, और क्या था इधर माइनस वन का स्क्वायर था। अब देखिए ये इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो गया ना, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर सूत्र क्या होता है, ये होता है ना ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर के साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, और प्लस टू ए बी, तो टू गुना कॉस थीटा साइन थीटा हो जाएगा, तो कॉस थीटा साइन थीटा इधर माइनस वन का स्क्वायर होगा तो माइनस वन होगा। ये दोस्तों मैंने यहाँ लिखा है, ठीक है, इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलिए चलिए हम देखते हैं, अब देखिए यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा सूत्र क्या होता है, एक होता है, ये सबको पता होगा एक होता है, अब प्लस ये टू, हाँ एक हो गया। अब देखिए ये जो माइनस वन जो इधर है, माइनस वन जो देख रहे हैं आप इधर, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस वन होगा, इसको पहले लिख लो टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, तो क्या हो जाएगा टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा हो जाएगा, साइन थीटा, और इधर माइनस वन, इसको माइनस वन लिख दो, फिर बटे में क्या है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, अब क्या हो जाएगा ये प्लस वन माइनस वन खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा टू कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अब देखिए इसमें टू बाहर कर लो आप, वैसे भी टू बाहर करने कोई जरूरत नहीं है, जो कॉस थीटा इंटू साइन थीटा और कॉस थीटा इंटू साइन ये कट जाएगा तो क्या बचेगा दो, दो आपका फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। तो आपको ऑप्शन नंबर, किताब का आंसर ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। चलिए हम देखते हैं चार का तीसरा नंबर सवाल, इसको आप नोट कर लीजिए कॉपी में, चलिए हम देखते हैं अब तीन नंबर सवाल। तीन नंबर सवाल है, मैं लिख देता हूँ पहले, sec a प्लस tan a का ब्रैकेट इंटू वन माइनस साइन, ये बहुत हल्का है, चलिए इसको देखते हैं। देखिए sec a, sec a को हम कुछ नहीं करेंगे, इसको ऐसे ही लिख देंगे प्लस, अब देखिए tan a जो है, रुकिए एक मिनट, sec को हम इसका भी फार्मूला लिख ही देते हैं, इसका भी फार्मूला मैं लिख ही देता हूँ। अब देखो sec का फार्मूला क्या होता है, वन बटे कॉस है, वन बटे कॉस है प्लस, अब tan a क्या होता है, साइन ए बटे कॉस है, साइन ए बटे कॉस है, इसको ब्रैकेट कर दो आप, अब इधर क्या है वन माइनस साइन है, इसको ऐसे ही रहने दो, वन माइनस साइन है, ठीक है। अब इसको एलसीएम जब लेंगे कॉस ए कॉस ए का, तो कॉस ए आएगा हमारा, इस दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो यही आएगा ना, तो कॉस ए कॉस ए जब नीचे बराबर है तो क्या ऊपर जुड़ जाएगा, तो वन प्लस साइन ए हो जाएगा, ठीक है। इधर क्या है वन माइनस साइन है, अब देखिए अब क्या हो जाएगा, वन प्लस साइन ए इंटू वन माइनस साइन ए, क्या सूत्र, देखिए वही सूत्र हो गया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा एक एक स्क्वायर, यानी कि एक का स्क्वायर प्लस माइनस हो जाएगा माइनस साइन का स्क्वायर, अब बटे कॉस ए, कैसे आया है अभी थोड़ा बताता हूँ। देखो इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो क्या ए प्लस बी हो गया, फिर इसको ए, इसको बी, तो ए माइनस बी हो गया ना, तो यानी कि ए प्लस बी, यानी कि ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हो जाएगा ना, तो सूत्र क्या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, अभी मैंने तुरंत बताया था पहले,
जो दूसरा सवाल बता रहा था उसने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर सूत्र क्या होता है, ए प्लस बी इंटू एम माइनस बी, तो वही सूत्र लगाएं। अब देखिए एक का स्क्वायर क्या एक ही होगा, एक का स्क्वायर एक ही होगा, अब फिर माइनस हम माइनस देंगे। अब देखिए साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए बटे क्या है कॉस ए है, कॉस ए लिख देता हूँ। अब देखो वन माइनस साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, इधर मैं लिखता हूँ थोड़ा, क्या होता है कॉस, चलिए मैं दूसरे पेज में लिख देता हूँ, तो क्या था हमारा, हमारा था वन माइनस साइन स्क्वायर ए बट एक कॉस ए, यहाँ तक लेके आए थे ना। अब देखो यहाँ कुछ नहीं करना, वन माइनस साइन स्क्वायर ए जो है इसका फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए, अब बटे नीचे कॉस ए है ही। अब देखो इसका क्या हो जाएगा, अब देखो दो कॉस ऊपर क्या है कॉस स्क्वायर है, तो एक कॉस एक कॉस एक कॉस इससे कट जाएगा, एक कॉस इससे कट जाएगा, तो ऊपर क्या बचेगा कॉस ए, तो कॉस ए इसका आंसर हो जाएगा। अब देखिए आपका ऑप्शन क्या है, आपका ऑप्शन इसमें दिया हुआ है डी, ऑप्शन नंबर क्या है आपका इसमें डी दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है ऑप्शन नंबर डी दिया हुआ है, तो डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है चलिए अब देखते हैं चौथे का चौथा सवाल, चौथे का चौथा सवाल देखते हैं। चौथा सवाल दोस्तों आपका है ये और हल्का है, ये है वन प्लस टेन स्क्वायर ए बटे वन प्लस कोट स्क्वायर ए, यही है इसको हम देखते हैं। चलिए देखिए इसका भी सूत्र आपको पता होना चाहिए तभी होगा, ठीक है, तो ये भी थोड़ा लंबा है सब है, तो वन प्लस अभी ये टेन स्क्वायर होगा, टेन का फॉर्मूला क्या होता है पता है, टेन का फॉर्मूला होता है साइन ए बटे कॉस ए, क्या होता है साइन ए बटे कॉस ए, तो मैं इसको लिख देता हूँ, क्या लिख देता हूँ साइन ए बटे ऐसे देता है बटे, तो कॉस ए मैं जगह नहीं के कारण ऐसे दे रहा हूँ, अब देखिए स्क्वायर है तो स्क्वायर देंगे, ठीक है, फिर बटे, फिर नीचे वन है प्लस, अब कॉट, कॉट का सूत्र क्या होता है कॉस 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 बट कॉस ए बटे साइन ए, तो कॉस ए बटे साइन ए, इस पर भी स्क्वायर है तो मैं इस पर भी स्क्वायर दे देता हूँ, ठीक है। अब क्या करेंगे वही एलसीएम लेंगे, देखिए ये क्या है साइन ए बटे कॉस है ना, ये कॉस ए बटे साइन है, तो क्या एलसीएम हो जाएगा, तो देखिए पहले वाले का एलसीएम लीजिए, तो पहले वाले का एलसीएम क्या होगा कॉस ए होगा, कॉस ए होगा ना, अब देखिए कॉस ए ख़त्म हो जाएगा तो क्या बचेगा, क्या होगा कॉस ए बचेगा, तो वैसे बचेगा ना स्क्वायर है ना ये, हाँ स्क्वायर है, इसको स्क्वायर दो स्क्वायर होगा, तो कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, एक से भाग देंगे तो प्लस क्या हो जाएगा ये कॉस कॉस खत्म, तो क्या बचेगा साइन बचेगा ना, साइन स्क्वायर ए, इस ऊपर वाले का काम खत्म, फिर बटे और फिर इसका इसका देखो इसका भी क्या एलसीएम आएगा, इसके नीचे आएगा साइन स्क्वायर ए, क्या आएगा साइन स्क्वायर ए है, आप ये साइन स्क्वायर ए है, आप इसको समझ लीजिए, इस तो एक से साइन स्क्वायर ए को भाग देंगे साइन स्क्वायर ए ही होगा, तो साइन स्क्वायर ए प्लस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर ए। अब देखिए सिंपल है, देखिए कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए सूत्र क्या होता है, एक होता है तो एक लिख दें बटे, नीचे क्या है कॉस स्क्वायर है, एक मिनट रुको दोस्तों उसमें मैं दूसरे पेज में देता हूँ, तो क्या है कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए वन होता है ना, तो वन दे देता हूँ वन, अब बटे, और ये बटे क्या है कॉस स्क्वायर है, तो कॉस स्क्वायर है इसको लिख दो, फिर बटे में है, और फिर ये देखो साइन स्क्वायर है प्लस कॉस स्क्वायर, ये भी वन हो जाएगा बटे वन, और फिर नीचे क्या है साइन स्क्वायर है, अब देखो अब आपका आंसर आ गया, एक एक कट गया, क्या बचा है कॉस स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर है, देखिए ये भाई चला जाएगा ऊपर और ये भाई चला जाएगा नीचे, ठीक है करने के नियम से, तो साइन ए बटे कॉस ए हो जाएगा, लिखता हूँ तो साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा,
क्योंकि ये साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा और कॉस स्क्वायर नीचे आएगा। तो साइन ए बटे कॉस ए किसका फॉर्मूला होता है, टेन का होता है। तो टेन अब स्क्वायर तो स्क्वायर दे दिया यानी कि टेन स्क्वायर है, तो टेन स्क्वायर आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अब देखिए ऑप्शन में कौन सा किस में टेन स्क्वायर दिया है, आपका डी दिया है, तो डी आपका दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये चौथा का दोस्तों चार नंबर का सवाल जो चारों था ये आपका ख़त्म हो चुका है। अब हम देखेंगे क्या, अब हम देखेंगे पाँचवा सवाल, क्या देखेंगे पाँचवा सवाल। आप इसको वीडियो रोक रोक के सारे प्रश्न को लिख लीजिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं पाँचवा का पहला सवाल। दोस्तों पाँचवा का पहला सवाल मैंने दोस्तों लिख रखा है, इसमें दोस्तों क्या कह रहा है, सिद्ध करने के लिए, मतलब सिद्ध करने का मतलब ये हो गया कि ये वाला पार्ट को ये वाले पार्ट के समान पूरा, यानी कि इसमें एक बात नोट कर लो, इस वाले पार्ट को हम बोलते हैं LHS, क्या बोलते हैं LHS, और इस वाले पार्ट को बोलते हैं RHS। ठीक है, तो LHS का मतलब होता है लेफ्ट हैंड साइड और RHS का मतलब होता है राइट हैंड साइड। ठीक है, इसका फुल फॉर्म याद रख लीजिए, LHS का लेफ्ट हैंड साइड, RHS का राइट हैंड साइड। ठीक है, तो चलिए हम LHS लेते हैं और LHS से RHS को पूरा आते हैं। ठीक है, चलिए हम LHS लेते हैं। तो हमने LHS ले लिया है दोस्तों, ये हमारा LHS है cosec थीटा माइनस cot थीटा का स्क्वायर। देखिए इसमें भी सूत्र लिखना और कुछ नहीं करना, cosec थीटा का सूत्र क्या होता है, होता है 1 बटे sin थीटा होता है माइनस cot थीटा का सूत्र क्या होता है, cos थीटा बटे sin थीटा, क्या होता है cos थीटा बटे sin थीटा। अब देखिए ब्रैकेट है तो ब्रैकेट दे देंगे और ये स्क्वायर है स्क्वायर भी दे दीजिए। अब क्या करना, वही आप LCM ले लो। अब देखो साइन थीटा का एलसीएम क्या होगा, साइन थीटा ही होगा। ठीक है, अब देखिए दोनों सेम है, ये भी सेम है, ये भी सेम, तो क्या ऊपर वाला चुपचाप लिख दो, जब लघुत्तम में दोनों नीचे वाला सेम रहे, दोनों का दोनों भिन्न का नीचे वाला सेम रहे तो ऊपर वाला चुपचाप लिख देना है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस ऊपर क्या है कॉस थीटा, तो कॉस थीटा। ठीक है, अब देखिए पूरे पर ब्रैकेट दे देना है फिर ये स्क्वायर है, स्क्वायर को दे दो। अब इस स्क्वायर का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि ये चीज़ें हैं ना, हम इसको दो बार लिखेंगे, इस पर जितना होगा तीन रहेगा तो हम तीन बार लिखेंगे, चार रहेगा तो चार बार लिखेंगे, तो दो बार है तो इसको हम दो बार लिख देते हैं। तो क्या 1 माइनस cos थीटा, इसको दो बार लिखो, तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस cos थीटा फिर ब्रैकेट, दो बार लिखना है ना, तो 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब ऊपर ये तो ऊपर वाला था, अब नीचे वाला भी लिखना है ना, मैं नीचे क्या है साइन थीटा, तो सीधा ये स्क्वायर हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, इतना तक समझ में आया, चलिए इससे आगे देखते हैं। इससे आगे देखते हैं, मैंने कहाँ तक लिया था, यहाँ तक लिया था 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos, जहाँ तक मैंने वो छोड़ा है वहाँ तो आप उतार लीजिए, फिर उससे ये आगे उतारे। ठीक है, अब देखिए नीचे क्या था, साइन स्क्वायर थीटा था ना, यही था ना आपका साइन स्क्वायर थीटा, तो क्या मैं साइन स्क्वायर थीटा को ये लिख सकता हूँ क्या, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये इसका सूत्र होता है, क्या होता है इसका, ये सूत्र होता है। ठीक है, तो मैं इसको लिख देता हूँ, ये क्या होता है, इसका सूत्र होता है। ठीक है, तो मैं इसको 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा लिख देता हूँ, ये इसका साइन स्क्वायर थीटा का सूत्र होता है। ठीक है, अब देखिए ये एक पर जो एक देख रहा है, इस पर नहीं है कुछ स्क्वायर दे सकते हैं, एक पर स्क्वायर एक ही होगा, कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इससे हमें सूत्र बनाना, इसीलिए मैंने ऐसा किया। ठीक है, अब देखिए इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए, क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हो गया। तो मैंने बताया था ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला कहाँ है, क्या होता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। दोस्तों ये फॉर्मूला ना हमेशा यूज होता है, ठीक है, ये फॉर्मूला हमेशा आपको यूज होगा, इसलिए आप इसको याद कर लीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाला सूत्र ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो चलिए हम इसको लिखते हैं, फिलहाल पहले ऊपर वाला लिख लेते हैं, ऊपर क्या हमारा 1 माइनस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा है ना, और नीचे क्या है, नीचे हमारा 1 स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर यानी कि ए प्लस बी, यानी एक बार इसको प्लस में लिखो, 1 प्लस cos थीटा इंटू 1 माइनस cos थीटा। ठीक है, अब देखो अब हमारा ऐसा बन गया, अब देखो 1 माइनस cos थीटा 1 माइनस cos थीटा कटा दिए, तो हमारा ये बच गया ना, तो पुर तो गया RHS में, यही तो है ना, RHS में यही था ना आपका, तो RHS आपका पुर गया। ठीक है दोस्तों, तो हम लिख सकेंगे, अतः LHS बराबर R
एच एस, तो पुर गया एल एच एस बराबर आर एच एस। आर एच एस में यही था, आप देख सकते हैं आपके बुक में राइट साइड में होगा ये एल एच एस, वन माइनस कॉस थीटा बटे वन प्लस कॉस, पुर गया तो एल एच एस बराबर आर एच एस हो गया। ये लिख के आप लिख दीजिएगा प्रूव्ड, पी आर ओ वी ई डी, प्रूव्ड, यानी कि प्रूव्ड हो गया, ठीक है।